नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू सो वाइज आज हम पढ़ने वाले हैं इंडो श्रीलंका रिलेशन ओके तो आपको पता ही है अभी श्रीलंका में जो है हाल जो है बेहाल है सो उम्मीद कर सकते हैं हम सवाल यहाँ से आए और आपको जो है सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में प्रबल्स और मेन्स दोनों के सबसे इंपॉर्टेंट है सो गाइज हम थोड़े समय पहले ही मैंने पढ़ाया था आई रिमेंबर मैनी ऑफ यू मस्ट हैल्सो बट हमारा वो आधा ही रह गया था उस समय मुझे ध्यान है तो अभी जो है अपन पूरा करेंगे बट यही थोड़ा लंबी क्लास है ये तो आज और कल का दो दिन जो है पार्ट वन पार्ट टू में हम पढ़ेंगे इसको इंडो श्रीलंका ठीक है सो वेरी वेरी वेलकम ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुटेट प्लेटफॉर्म दैट इज़ एन अकेडमी सो यू आर विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स ओके सो आपके लिए बच्चों अभी एक ऑफर भी आ गया है आइकॉनिक और प्लस अगर आप तरीके से अच्छे से तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी की तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी कर सकते हो आपके लिए जो ट्वेंटी परसेंट ऑफ जो है दोबारा आ गया है तो बच्चों आपका जो फेवरेट सबसे ज़्यादा जो बच्चे लेते हैं सब्सक्रिप्शन वो मात्र यू नो नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव मात्र तो नहीं करना सही नहीं है कि नाइन्टी फाइव थाउजेंड ऑलमोस्ट इक्वल टू अ लैक हो गया बट इसमें बच्चों आइकॉनिक में आपको पता ही आपको सब कुछ आ जाता है और एक कॉम्बो का प्राइस है जिसमें किताबें किताबें भी सब कुछ आ गई ठीक है अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो आइकॉनिक ले सकते हो सॉरी प्लस ले सकते हो आप सिक्सटी टू थाउजेंड है कॉम्बो इंक्लूडिंग कॉम्बो का प्राइस ठीक है सो इट्स अ वेरी गुड डील उंटर ये भी अगर आपको महंगा लग रहा है तो बचो फिफ्टी फोर थाउजेंड में आप जो है डेढ़ साल का प्लस ले सकते हो ठीक है डेढ़ साल का तो लेना हीट नहीं, तो नहीं होता है ठीके? बचो ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट के साथ आपको जो है नोट टू पॉइंट ओ भी मिल रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर ठीक है यू आर गेटिंग द नोट टू पॉइंट ओ इन द प्लस सब्सक्रिप्शन ठीक है और ये नोट्स टू पॉइंट ओ आपको सिर्फ इकतीस अगस्त तक जो है मिलेंगे ठीक है ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तक उसके बाद ये सिर्फ जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे सो समय का तकाजा देखते हुए सब्सक्रिप्शन लेना भी सही है वेन एवर यू गो दो फॉर द सब्सक्रिप्शन यूज द कोड सीड यू ठीक है तो इसके अलग फायदे हैं आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं आप मेरी टीम में रहोगे पूरी मेंटरिंग गाइडेंस आपको मेरी तरफ से मिलेगी वैल्यूडेशन मटेरियल आपको मिलेगा ये सारी बातें जो आई डोंट थिंक और किसी कोड से मिलती है तो जो बेस्ट कोड है तो इसको यूज़ कीजिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें ठीक है डिस्काउंट सबसे सेम रहता है फीचर वजो सारे सेम रहते हैं किसी का भी कोड यूज कीजिए आप बस एक्स्ट्रा आपको क्या मिल रहा है वो देख लीजिए तो यहां पर आपको मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है जो आई कैन चैलेंज यू ओके कि कोई और कोड आपको ये सब नहीं देता है ठीक है बाकी आप सब जो हैं समझदार है समझदार हैं और इंडिया श्रीलंका की तरफ ब्रुक करते हैं ऑल राइट सो एक बार श्री एक, एक बार क्लास एक को जो है गाइज शेयर कर दीजिए ठीक है एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है ठीक है वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू राहुल राजेश एजुकेशन टाइम शिवांगी बाकी लोग तो अपने ही मस्त हैं तनु जैन वेरी वेरी गुड इवनिंग ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं हम जो बच्चे पढ़ने हैं उनको अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान दे देंगे ओके तो समझदार को जो है बस इशारे की जरूरत होती है ठीक है तो भारत और श्रीलंका बच्चों श्रीलंका की, की महत्वता वैसे हमारे लिए बहुत है क्योंकि हमारा नेबरिंग स्टेट है ओके okay, हमारा मैरिटाइम बॉर्डर शेयर होता है इसके साथ में ओके okay, तो बॉर्डर बच्चों हमारा सिर्फ लैंड पे नहीं होते हैं पानी में भी होते हैं जहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है दो देशों की तो जो भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसपे सवाल भी है इस बार प्रल से बायदा इसी बार दो में ही ठीक है भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो श्रीलंका की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से छूती है ठीक है तो बॉर्डर हमारा मेरीटाइम बॉर्डर जो है हमारा टच होता है ठीक है तो रिलेशन की अगर शुरुआत करी जाए बात करी जाए तो वो रिलेशन बहुत ही पुराने आपको बताया हमारी रामायण के अंदर भी जो है लंका का जिक्र है जिसमें लंका को जो है रावण का घर बताया गया है ठीक है और लंका को जो है यू नो जो भारत से जोड़ा गया भगवान राम ने जो है पुल बनाया उस पुल का बच्चों आज भी अवशेष दिखता है अब वो मानने वाले मान सकते हैं अपने अपने हिसाब से बट गई यहाँ से ऊपर से अगर सैटेलाइट से देखे तो अंदर जो है कुछ ना कुछ दिखता है कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई कनेक्टिविटी रही होगी पहले के ज़माने में ऐसा कुछ यू you नो know, जोड़ता हुआ कुछ यू नो स्ट्रक्चर जो है दिखता है इसको जो है एडम्स ब्रिज बोला जाता है इंग्लिश के अंदर एडम्स ब्रिज ठीक है राम सेतु भी बोलते हैं इसको कई लोग ऑल राइट सो ढाई हज़ार साल जब से बचो रिकॉर्डेड हिस्ट्री रही है तब से भारत और श्रीलंका का रिलेशन जो है रहा है स्टार्टिंग में ट्रेड कल्चर आपको पता है श्रीलंका का जो मेजर रिलीजन है यानी कि बुद्धिज्म वो भारत में ही जो है जनरेट हुआ था और भारत से ही फिर जो है पूरी दुनिया में फैला तो बहुत बड़ा वजो एक ये एंगल है जिसको हम टैप कर सकते हैं एक बहुत बड़ा कल्चरल लिंक है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जिसको हम टैप टैप कर सकते हैं या जो कि एक बहुत बड़ा एक बॉन्ड की तरह भी एक्ट करता है भारत और श्रीलंका के बीच में ठीक है बहरहाल जो श्रीलंका है वो आपके सार्क ओके okay. विम्स्टेक दोनों ही इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग्स का मेंबर है यूनाइटेड नेशन का तो मेंबर है ही खैर ठीक है इम्पोर्टेंट मेरीटाइम नेबर है ठीक है लार्जेस्ट मेरीटाइम स्ट्रैटी हमारी जो है इंडियन ओशन के अंदर उसका you know, एक यू नो एक बहुत ही बड़ा पार्ट है आपके लिए ठीक है सिक्योरिटी बच्चों हमारी बहुत मैटर करती है हमारा जो ये वेस्ट ईस्ट कोस्ट है ईस्ट कोस्ट की सिक्योरिटी जो है श्रीलंका से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है और ख़ास तौर तो पे ऐसे समय में जो श्रीलंका के अंदर जो है सिविल वॉर टाइप चल रहा है तो इंडिया की सिक्योरिटी जो है डायरेक्टली लिंक्ड है डायरेक्टली जुड़ी हुई है श्रीलंका से ठीक है श्रीलंका का बचो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी था भारत ओके लेकिन दो में जो है चाइना हमसे ये छीन कर ले गया और चाइना जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया श्रीलंका का ठीक है उस समय बचो भारत और श्रीलंका के रिलेशन थोड़े ऐसी ट्रबल्ड वाटर्स में चल रहे थे आज हम वो भी जिक्र करेंगे क्या हुआ था उस समय एंड और इसका जो है मौका जो है फ़ायदा उठा गया ओके ट्रबल्ड वाटर्स में फ़िशिंग करना श्रीलंका को चाइना को बहुत अच्छे से आता है और श्रीलंका को जो है अपने जाल में फंसा दिया उसने और जो है आप उसका हाल अब देख लीजिए श्रीलंका में क्या हो गया है उनका पोर्ट ले लिया है उसने मानता नहीं है बात दादागिरी कर रहा है अभी जो है वहाँ पर एक जहाज आकर जो है लंगर डाल चुका है चाइना का जिसमें कि सर्विलेंस वो एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से रिलेटेड जो है शिप है तो इंडिया ने मना किया श्रीलंका को इसके आप इसको अपने वहाँ पे मत आने देना आप अपने पोर्ट पे तो श्रीलंका ने पहले बोला हम नहीं आने देंगे लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ फिर जो है श्रीलंका ने जो है आने दिया उस जहाज को और वो जहाज यू नो काफी दिनों तक तो श्रीलंका के पोर्ट पर रहा तो अंदर कुछ जो है प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पर श्रीलंका ने जो श्रीलंका पे जो है अपनाई होगी चाइना ने ठीक है सो दिस इज अ गईज ग्रेट थ्रेट फॉर इंडियन सिक्योरिटी कि हमारा बिल्कुल पड़ोसी बिल्कुल नजदीक में हमारी नाक के नीचे है और ये ये जो है किसी और देश के इन्फ्लुएंस में आ जाए पर्टिकुलरली चाइना जैसे देश के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो बच्चों ये बात जो है बिल्कुल भी हम हमें गवारा नहीं है ये तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरह हो गया जो मैंने आपको कोल्ड वॉर में पढ़ाया था ठीक है कोल्ड वॉर में मैंने आपको याद है पढ़ाया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो बचो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यही तो हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यही तो हुआ था कि यूएसए की नाक के नीचे जो जाकर जो है क्यूबा में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी तो ऑब्वियसली यूएसए को अच्छी नहीं लगी बात ये ठीक है और बड़ा भयंकर लड़ाई होते होते जो है वर्ल्ड वॉर थ्री होते होते रह गया तो ऐसी वजह हम भी नहीं चाहेंगे यार श्रीलंका में कोई भी चाइना का जो है कोई भी इस तरह का जहाज या पंडुबी या वो जो है आए

और ये जो सारा पीस है ये एक ही पूरा टेक्टोनिक प्लेट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी ज्योग्राफी के अंदर ये पूरा ही एक ही प्लेट है ये ठीक है तो ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया श्रीलंका मॉलदीव्स न्यूजीलैंड ये सब बच्चों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है तो ज्योग्राफिकली भी जो है काफी समानताएं हैं तो एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु हिंदू माइथोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है उसका वो आपको पता ही है वो जोड़ता है श्रीलंका और जो है भारत को ठीक है तो बच्चों जो जो जगह जो अलग करती है गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं इसको ओके ये वाली जगह जो है ठीक है ये जो जगह है जो ये अलग करती ये जगह भरदू में इसे बच्चों गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं यहां पे एक मरीन सेंचुरी भी इकलौती मरीन सेंचुरी भारत की गल्फ ऑफ मन्नार सो गल्फ ऑफ मन्नार जो है ओके गल्फ ऑफ मन्नार इज द मरीन सेंचुरी विच इज लोकेटेड हेयर बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका ठीक है इंडिया एंड श्रीलंका को ओके पाल् स्ट्रेट है स्ट्रेट भी जाता है आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन जोग्राफी क्लासेज ऑल्सो कि बच्चों स्ट्रेट हमेशा उस बॉडी को कहते हैं जो वाटर बॉडी दो बड़ी वाटर बॉडियों को जोड़ती है उसे स्ट्रेट कहते हैं छोटी वाटर बॉडी तो बच्चों छोटी वाटर बॉडी जो है ये जोड़ रही है बे ऑफ बंगाल को और नीचे जो है इंडियन ओशन को इसलिए इसको क्या कहते हैं पाल्क स्ट्रेट समझ गए पाल् स्ट्रेट तो स्ट्रेट हर उस वाटर बॉडी को कहते हैं जो छोटी वाटर बॉडी होती है लेकिन दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ती है पालक स्ट्रेट तो मरीन गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं इसी जगह को और पाक स्ट्रेट भी कहते हैं इसको ठीक है 103 सौ तीन नदियां बहती है श्रीलंका में एक यूनिक प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न जो है फॉलो करता है ठीक है श्रीलंका ओके तो जो श्रीलंका जो है आपके लिए इसका जो हाइट है बच्चों यहां पर सेंटर में क्या है ज्यादा है ये ठीक है सेंटर में इसका हाइट क्या है ज्यादा है ऊपर प्रोजेक्टेड मान लीजिए उस पर आपकी तरफ सेंटर से तो बच्चों क्या है सारी की सारी नदियाँ जो है ये यहां से, से निकलती हैं यूं और जाती है समुन्दर में यहां से निकलती है यूं ठीक है ऐसी कई सारी नदियां हैं ठीक है इस प्रकार का बच्चों जो ड्रेनेज पैटर्न होता है ओके उसको हम कहते हैं रेडियल रेडियल ड्रेनेज पैटर्न समझ गए आप ये देखो नदी यहां से निकल रही है कहां जा रही है समुन्दर के अंदर यहां से सेंटर से निकल रही है यहां पे स्लोप ढाल क्योंकि इस तरफ है ये समुन्दर के अंदर जा रही है ठीक है इसे बच्चों हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ठीक है श्रीलंका का मैप है ये ठीक है हो सकता है श्रीलंका का मैप वैसे एग्जैक्टली exactly थोड़ा इस तरह का है ठीक है बट ये श्रीलंका का तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है फॉलो करते हुए ओके okay, सारी नदियां महावेली नदी जो है सबसे बड़ी नदी है श्रीलंका की समझ गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी यहां तक सारी की सारी अब बच्चों आपको थोड़ी कहानी बताते हैं ताकि आपको जो है कुछ मुद्दे जो है गहरे समझ में आए ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है भारत और श्रीलंका के जो इतिहास है थोड़ा ओके okay? बच्चों इतिहास जो होता है वही जो है प्रेजेंट पे इफेक्ट डालता है और प्रेजेंट जो है आपका फ्यूचर पे इफेक्ट डालता है ठीक है तो इतिहास आपका जो भी रहा हो पहले स्कूल कॉलेज में आप उसको भूल जाइए और प्रेजेंट में मन लगाकर पढ़िए क्योंकि आगे फ्यूचर में जो है आपको यूपीएससी क्रैक करना है समझ समझ ओके okay? समझ जाइए इस बात को ठीक है वह तो जो यहाँ पर आपको जो है एक व्यक्ति दिख रहे हैं जिनको हम सब जानते हैं राजीव गांधी ओके okay? आपको बताया भाई जो राजीव गांधी की जान चली गई थी राजीव गांधी को मार दिया गया था बॉम्ब से उन्हें जिंदा जो है उड़ा दिया गया था टुकड़े टुकड़े हुए थे उनके शरीर के और ये जो है सारा का सारा एपिसोड है इसके तार जो जुड़े हुए हैं श्रीलंका से जुड़े हुए हैं अब जो ये क्या चीज है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर उसके जो है एसैसिनेशन का कारण श्रीलंका से क्या है ये आपको जानना मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपकी स्वाभाविक इच्छा भी हो रही अंदर से जानने की कि हाँ सर ये तो बता दो कि छोटा सा आइलैंड नेशन की वजह से हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे जो है उसको क्यों जान देनी पड़ी अपनी ठीक है तो इसकी कहानी तो चालू होती है बहुत एनी प्रॉब्लम टेयर प्लीज आस्क मी गुड इवनिंग गौरी एजुकेशन राहुल यार, इसमें कमेंट का बड़ा दिक्कत रहता है ठीक है तो वह जो कहानी मैं आपको लेके चलता हूं पुराने थोड़े श्रीलंका में एक बार चलते हैं मन अंग्रेजों के समय में ठीक है तो बच्चों जो अंग्रेज़ों के समय में श्रीलंका जो था वो अंग्रेज़ों का पार्ट था अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ों के अधीन था ठीक है और भारत भी अंग्रेज़ों के अधीन था तो बच्चों अंग्रेज़ों ने क्या किया श्रीलंका में भारत का जो ये इलाका है ठीक है हमारा जो तमिलनाडु है ये यहां से गई बहुत सारे लोगों को श्रीलंका में ले जाया गया ओके एज अ लेबर ठीक है लेबर की कमी के कारण श्रीलंका में कई तरह की क्रॉपिंग करता था ब्रिटेन ओके okay. तो वो जो यहां पर ये जो है हमारे तमिल जो लोग थे ठीक है ये जो तमिल लोग थे ये लोग यहां पर भस गए जाकर ठीक है ये लोग यहाँ पर भस गए एज अ लेबर एज अ वर्कर वट ठीक है बच गए अभी अंग्रेजों का राज है पूरा सब अंग्रेजों के अंडर में ही अभी कोई ना इंडिया है ना कोई श्रीलंका है अभी कुछ भी नहीं है अब गैस, अंग्रेज चले गए 1947 के अंदर आजादी मिल गई इंडिया को बाद में श्रीलंका को भी आजादी मिल गई ओके लेकिन बच्चों तमिल लोग थे ये तमिल लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग तभी कि अब यहीं रहेंगे क्योंकि अब पुश्तिया निकल गई यहां पर एक दो तीन जनरेशन हो गई तो अब इनका मन जो है वहीं लग गया इनका वहीं सेट हो गया ओके okay, हर चीज रिलेशन वगैरह ओके आते जाते रहते थे इनके जो रिश्तेदार थे इधर आते जाते रहते थे, थे मिलने उनसे ठीक है बट इनका मन यही था कि हम यहीं रहेंगे हम उधर नहीं शिफ्ट होंगे इंडिया के अंदर क्योंकि बराबर सा ही सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है तो वाई डू अननेसेसरीली शिफ्ट माइग्रेट बच्चों आदमी तब करता है जब कुछ फैक्टर्स होते हैं उसको कोई परेशानी होती है कोई दिक्कत होती है कोई परेशानी नहीं है कुछ अट्रैक्शन होता है दूसरी जगह पर इकोनॉमिक कोई अट्रैक्शन है कोई वैसे कोई अट्रैक्शन है या कुछ है नहीं तो ये लोग यही रह जाते हैं ठीक है अब लेकिन बच्चों ये लोग इनकी जो एथेनिसिटी होती है वो अलग होती है तमिल होते हैं ओके और ये जो है श्रीलंका की इनकी एथेन्टिसिटी है वो अलग होती है ठीक है वो तमिल इस लोगों को अलग मानते हैं और यहां पर बच्चों तमिल लोगों में और जो श्रीलंका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ओके यहां पर श्रीलंका की सरकार जो है श्रीलंका की जो आर्मी है इन लोगों को बिचारों को तमिलों को अत्याचार करना चालू कर दी इन पर रेप मर्डर परेशान करना इनको ताकि ये छोड़ छाड़ कर यहां से भागे अपने देश और इनको मानती ही नहीं है कि ये देश, हमारे देश के नागरिक हैं वो यही मानती है कि इनको तो लाया गया था ब्रिटिशर्स अब ब्रिटिशर्स चले गए तो ये भी जाए यहां से लेकिन ऐसा थोड़ी होता है यार ओके ब्रिटिशर्स तो वो जो कॉलोनाइजर्स थे वो इंपीरियलिज्म और वगैरह कॉलोनियां बनाने आए थे ये थोड़ी कॉलोनियां बनाने आए थी तो अपना सब कुछ जो है

अब राज्य सरकार तो कुछ कर नहीं सकती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहां पर जो है इंटरवीन करना चाहिए और श्रीलंका की सरकार का जो है कान थोड़ा खींचना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो या क्यों इनको परेशान कर रहे हो हमारे लोग हैं इनको परेशान मत करो ठीक है तो जो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया का ये एक तरह से इंटरफेरेंस ही हो गया है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों के अंदर ये हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है हमारा गुजराल डॉक्टराइन जो स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज के लिए गुजराल साहब ने बनाया था उसके भी अगेंस्ट है क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है पांच प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में जो है इंटरफेयर नहीं करना है लेकिन बच्चों यहां पर राजीव गांधी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है इंडिया के अंदर ही मीडिया वगैरह के भाई आप कुछ करिए क्योंकि हमारे लोगों पर वहां पे अत्याचार हो रहे हैं और इसी की बात को जो है आगे बढ़ाते हुए जयवर्धने जो होते हैं उस समय श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर उससे बच्चों श्रिलंग, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड होता है ओके जिसमें राजीव गांधी ये कहते हैं कि आप जो है इनको मारना जो है बंद करिए इनको जो है रेप करना इनका बंद करिए इन पे अत्याचार करना बंद करिए बदले में जो है आपके ऊपर यह हमले नहीं करेंगे आप यहां पर जो है डिवोल्यूशन कीजिए पावर का इनको जो है प्रोवेंसेस बनाइए एक जैसे हमारे यहाँ पे अपने स्टेट होता है ऐसे यहाँ पे स्टेट बनाइए अलग अलग ओके इन स्टेट्स को फिर जो है पावर दीजिए डिवोल्यूशन ऑफ पावर जैसे हम कहते हैं ओके स्टेट्स को पावर दीजिए हाई कोर्ट बनाइए यहाँ पर ठीक है स्वतंत्रता दीजिए इनको चीफ मिनिस्टर वगैरह हो चुनने का बदले में जो है हम इनको समझाइए हमारे लोग ठीक है कि ये जो है हथियार डाल दें रिबिलियन और ये जो अटैक के मोड में है आपके खिलाफ वो जो है रोक दें श्रीलंका कहता है ठीक है आप रुकवा दो हमले और आप जो है हमारे देश में इंसर्जेंसी जो हो रही है जो ये लोग कर रहे हैं वो रुकवा दो हम जो है सारा जो है जो भी ऑपरेशन हमारे चल रहे हैं हम बंद कर देंगे ठीक है इस बात को वो जो आगे बढ़ाते हुए तमिल लोग जो होते हैं वो अपना यहां पर अब जो है मूवमेंट उनका अलग ही लेवल पे चला गया वो अब आजादी की फिराक में होते हैं कि हमें इस इलाके को आजाद देश बनाएंगे तमिल एलम बनाएंगे हम इसको आजाद कराएंगे श्रीलंका से अब गई कोई करेगा तो उस देश की आर्मी तो यार फिर वो तो एक्शन लेगी ही ना तो जो तमिल लोग कहते हैं कि हम तमिल एलम हमारा खड़ा करेंगे अलग और अपनी फोर्स भी तैयार कर देते हैं लिट्टे इसका आपने नाम भी सुना होगा ओके लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ठीक है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तलम तमिल एलम तो बोचो लिट्टे तैयार हो जाती है और यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं इंडिया बात कर रहा है कि भाई सब सही हो जाए शांति से बात सुलझ जाए और यहाँ ये लोग जो है पूरा देश बनाने की और जो है तोड़ने की श्रीलंका को प्लानिंग कर लेते हैं और अपनी आर्मी भी खड़ी कर देते हैं जिससे हम लिट्टे के नाम जानते हैं ओके लिबरेशन फॉर द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ठीक है लिबरेशन टाइगर्स हैं ये तमिल को जो है एलम को आजाद कराएंगे इस देश का नाम होगा तमिल एलम ओके अब बीच में कहीं ये बात हो जाती है कि अकॉर्ड हो जाता है इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड और लिटे अब बच्चों यहां पे एक पार्टी हो गया इंडिया है और श्रीलंका तो साइड हो गया अब श्रीलंका अब साइड में हो गया श्रीलंका ने कहा बढ़िया है इंडिया के हम जो है इंडिया देखेगा आप क्या करना है श्रीलंका हो गया साइड और बच्चों इंडिया ने कैसे तैसे कर कर एक बारी के लिए लिटे को मजबूर कर दिया कि ठीक है आप जो है हथियार डाल दो श्रीलंका की सरकार आपके साथ जो है इंसाफ करेगी और हमने बात कर ली है उधर मतलब गईज इंडिया जो है मीडिएटर का रोल यहाँ पे प्ले करना चालू कर देता है और मीडिएटर का रोल बच्चों प्ले करना बहुत खतरनाक हो सकता है ठीक है मैंने एक बार करा था प्ले जिंदगी में और आज तक मैं पछताता हूँ उसके लिए मीडिएटर का रोल आप इधर से भी मर सकते हो उधर से भी मर सकते हो और हो सकता है दोनों मिलकर आपको मार दें तो बोलो मीडिएटर का रोल जब भी प्ले करें ओके okay, तो हमेशा लाइफ में बच्चों जीवन में सावधान रहें कहीं पे ऐसे ना हो कि आप किसी के भले के लिए अपना ही नुकसान कर बैठे ओके okay, मैंने भी ऐसा ही किया एक बार ओके okay, कुछ दुर्घटना होने से बचाई और दुर्घटना बच भी गई हेल्प भी करी और बाद में जो है प्रॉब्लम सारी मेरे ऊपर ही आ गई ठीक है और इंडिया के साथ भी गई कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया ने जो है मीडिएटर बनने की कोशिश करी तल तमिल एलम और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका तो फ्री हो गया श्रीलंका तो साइड में चले गया तमिल एलम को इंडिया ने बोल दिया कि ठीक है भाई हम देख लेंगे कुछ नहीं है तो तमिल एलम ने बचो कैसे तैसे मतलब अनविलिंगनेस मोड में मतलब ऐसे मतलब मैंने बिना बेमन के जो है एक बार इंडिया की बात मान ली लेकिन गई थे ज्यादा दिन चला नहीं है और दोबारा जो है अब अकॉर्ड साइन कर लिया तो जिम्मेदारी हमारी हो गई और तमिल एलम हमारी बात ने, बात उसने जो है बात पे रहा नहीं उसने दोबारा उधर अटैक चालू कर दिया श्रीलंका की आर्मी आर्मी पे इस बात पे श्रीलंका भी नाराज हो गया कि आपने जिम्मेदारी ली थी और अब देख लो ये अटैक कर रहे हैं अब तो हम इनको मारेंगे अब तो हम इन पे जो है सब कुछ हथियार सारे के सारे चलाएंगे और तमिल एलम भी जो है हमारे खिलाफ इंडिया के खिलाफ जो है निमोसिटी डेवलप हो गई तमिल जो हमारे लोग थे तमिलनाडु के वो भी हमारे से खफा हो गए कि आपने सिचुएशन को जाके और कॉम्प्लेक्स कर दिया सोल्यूशन आपने कुछ निकाला नहीं और अब तो और बेरहमी से मार रहे हैं और ज्यादा लोगों को मार रहे हैं खुलेआम मार रहे हैं अब तो वो और ये इस अगली सिचुएशन में इंडिया जो है फंस गया और इंडिया ने बच्चों यहां पर गलती ये कर दी कि इंडिया ने अपनी जो है पीस कीपिंग फोर्स और भेज दी इंडिया ने अपनी आर्मी जिसका कोई लेना ही देना नहीं है हमारा वहां वह के शूद से हमारी आर्मी को एज अ पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया और हुआ ये बच्चों की तमिल एलम के जो लिट्टे के लोग हैं ये इंडियन आर्मी को ही मारने लग गए इंडियन आर्मी को अटैक करने लग गए इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी को इन्होंने तो बराबर समझ लिया और जो भी इनके इलाके में जाएगा उनको ये मार देते थे और बच्चों ये लगा घना जंगलों वाला इलाका गंभीर ओके डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर ठीक है डेंस फॉरेस्ट अब इस इलाके में जो है जानकारी लोकल नॉलेज इनको ज्यादा थी लिटे को ये गोरेला वॉरफेयर में माहिर हमारी सैनिक अभी इन सब गोरेला वॉरफेयर से भी जो है अडेप्टेड नहीं थे बाहरी बच्चों नुकसान हुआ हमारे कई सैनिक जो है शहीद हो गए अननेसेसरीली श्रीलंका के अंदर और अल्टीमेटली हमको जो है एक ह्यूमिलिएटिंग जो है डिफीट तो मैं नहीं कहूंगा बट एक ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन में इंडिया आ गया और इंडिया को अपनी जो है पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुलाना पड़ गया बिना किसी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किए हुए कुछ मिला नहीं सिर्फ खोकर जो है हम और आ गए इंडिया की इमेज को और जो है डेंट पड़ा कि इंडिया जो है रीजनल पावर भी नहीं है अभी उसकी अपने जो इलाके में उसके आस पड़ोस में भी जो है रीज वहाँ पर भी इंडिया की नहीं चलती है ओके तो ये एक कई तरह से जो है हमने शिकस्त खाई और बाद में तो फिर राजीव गांधी की जान ही चली गई जान ही ले ली राजीव गांधी की ओके इतनी बड़ी प्राइज जो है हमको चुकानी पड़ी इस सब इन सब की वजह से ठीक है ओके इस सब प्रोसेस में बचो आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है वो तो एक कहानी के जो कुछ वर्ड्स हैं तमिल एलम लिट्टे वगैरह इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ठीक है श, श, इंडो श्रीलंका कॉर्ड 1987 ये तो आपको याद रखना ही है मेंस में तो मेंशन करना ही है और मेंस में मेरे को लगता भी ये सवाल आ सकता है क्योंकि जिस साल हिसाब से अभी श्रीलंका में हाल चल रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें आप थोड़ा पहले जो है ये बात तो लिखोगे ही एक दो पॉइंट में तो लिखी लिख ही सकते हो आप के अकॉर्ड हुआ था इसी अकॉर्ड में बच्चों अमेंडमेंट की बात करी गई थी ठीक है जो कि उस समय श्रीलंका ने किया नहीं पर बोला वो कर देंगे जब अकॉर्ड हुआ था इंडो श्रीलंका अकॉर्ड तो अमेंडमेंट भारत ने बोला कि भाई तुम आप हम तुम हम समझा देंगे तमिल एलम वाले लोगों को पर तुम हमें कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट वो तो दो मतलब कुछ संविधान में तुम्हारे कुछ संशोधन करो तो तेरवा बच्चों संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में श्रीलंका के जिसमें श्रीलंका ने बोला कि भाई प्रोवेंशियल काउंसिल बनाई जाएगी ठीक है यानी कि श्रीलंका के जो ये तमिल वाले इलाके हैं यहाँ इनको प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ठीक है स्टेट बना दिया जाएगा मतलब भारत के हिसाब से और इनको ऑटोनॉमी दी, दी दी जाएगी ठीक है ऑटोनॉमी इनको जो है दे दी जाएगी इनको सेपरेट हाईकोर्ट मिलेगा ठीक है और बच्चों तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा श्रीलंका में ठीक है बाकी जो यू नो लैंग्वेजेस के साथ में तमिल भाषा को भी ओके ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा और डिवोल्यूशन ऑफ पावर अगर आप थोड़ी पॉलिटी पढ़ के आए हो तो आपको इस वर्ड एक वर्ड ही काफी है डिवोल्यूशन ऑफ पावर करेगी श्रीलंका के केंद्र सरकार टू द समझ गए ये है थर्टींथ अमेंडमेंट नाइनटीन एटी सेवन सो यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे जो है पूछिए फिर मैं आपको बताता हूँ असासीनेशन कैसे हुआ राजीव गांधी का फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है हाँ वो लास्ट में लेंगे वर्षा अभी जो भी इकोनॉमी रिव्यू जो प्रेजेंट कर चल रहा है श्रीलंका में विल टेक इट इन द लास्ट मे बी टू नॉट टुमारो नॉट टुडे टुमारो विल टेक इट एनी प्रॉब्लम कुछ और बच्चों को दिक्कत यहां तक तो आप मेरे से पूछिए गुड इवनिंग वायरल ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं फिर डन वेरी गुड ठीक है अब बच्चो तो, राजीव गांधी तो सारा का सारा जो भी हुजुन, जो उनसे जो उन्हें सही लगा उन्होंने किया ठीक है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो है मतलब ठीक है बट जो उन्हें सही लगा उस समय जो सिचुएशन थी वो जो कभी भी प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं अब तक जो प्राइम मिनिस्टर्स थे मतलब समझ रहे हो ना आप जितने प्राइम थे उनकी वो साथ पूरी कैबिनेट होती थी पूरी टीम होती थी तो पूरी टीम मिलकर डिसीजन लेती थी तो किसी एक आदमी पे जो है डिसीजन डाल देना कि उसकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया गलत बात है एक तरह से ठीक है दिस नॉट अ यू नो एजुकेटेड अ वेल एजुकेटेड पर्सन विल टॉक अबाउट टॉक लाइक दिस थिंग ओके सो जो भी होता था तो मतलब राजीव गांधी ने अपनी मन से तो करा नहीं अकॉर्ड और उनके सैनिक वैनिक और उनके जो मिनिस्टर्स थे सब ने सलाह दी होगी तब तो उन्होंने करा होगा अकॉर्ड ठीक है उनके साथ उनकी बात मानकर ही उन्होंने मिलिट्री भेजी होगी उनकी पर्सनल तो पर्सनली उनको तो उन्होंने अपने इच्छा से तो भेजी नहीं होगी ठीक है अल्टीमेटली से उनका होता है बट वो बहुत सारे लोग होते हैं सलाह देने के लिए तो वो जो यहाँ पर लिट्टे जो है अब उधर तो श्रीलंका में तो लिट्टे की जो है हालत खराब होने लग जाती क्योंकि श्रीलंका की आर्मी बचो किसी भी देश की आर्मी या आप जो है स्टेट की पुलिस से या आर्मी से या उसकी किसी भी जो फोर्स से आप नहीं लड़ सकते हो ठीक है आपकी जो भी डिमांड है गांधी जी बचो क्यों उन्होंने सत्याग्रह का रास, रास्ता चुना आज लोग गांधी जी उगाली देते हैं मैंने सुना है देखा है कमेंट्स में नेहरू जी उगाली देते हैं ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मौलाना आजाद इनको गाली देते हैं कि अरे क्या थे ये उन्होंने जो है मतलब नॉन वोलेंस किया विड्रॉ कर लिया कौर, नॉन कॉपरेशन मोमेंट ओके बच्चों वो को कोई बेवकूफ़ नहीं थे उनको ये बात की समझ थी समझ थी कि भाई ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर दो तिहाई इलाका दुनिया का उनके कब्जे में है दो तिहाई इलाके पे कोई सिकंदर कोई यू नो कोई आपका बड़ा राजा मुगल का कोई अशोका इतना बड़ा साम्राज्य कोई चंगेज खान कोई इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना इतना बचो ब्रिटिशर्स का था लगभग दो तिहाई इलाका दुनिया का उनके कब्जे में था आप उनसे डायरेक्टली हथियार के दम पे नहीं लड़ सकते हो अगर आपने हथियार उठा लिए तो उनका तो मजा आ जाएगा क्योंकि उनके पास तो आपसे बेहतर हथियार है और आपको तो दो मिनट में सफाया कर देंगे वो जैसे जनरल डायर ने दो मिनट में मार दिया हजारों लोगों को ऐसे अगर आपने हथियार उठा लिए उनके खिलाफ तो उनके पास आपसे ज्यादा बेहतर हथियार है ट्रेनिंग है मैन पावर है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको सफाया करना तो जो गांधी जी से बहुत स्मार्ट थे उन्होंने ये जो है सत्याग्रह इसलिए गांधी जी को जो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में गांधी जी को जो है रिस्पेक्ट दी जाती है इंडिया में फादर ऑफ द नेशन है वो कि उनका जो यूनिक मेथड था ये कि नॉन वायलेंस ओके okay? पीसफुल मीन के थ्रू जो है सत्याग्रह करना अपनी बात मनवाना ओके okay, वो स्ट्रैटेजी थी इस वजह से गांधी जी को जो इतना रिस्पेक्ट मिलता है ठीक है ऑल राइट right. तो जो लिटेन है लेकिन ये बात नहीं समझी गांधी जी से थोड़ा वो गांधी जी की थोड़ी किताबें पढ़ लेते थोड़ा नॉलेज ले लेते तो शायद वो बच जाते और वो तो भिड़ गए सीधा श्रीलंका की आर्मी से और बचो श्रीलंका की अब देश की आर्मी आर्मी होती है यार आर्मी ने बचो उनका जो है डाउन कर दिया एकदम जो है और अट्रोसिटी बढ़ा दी और जो है ज्यादा आर्मी के लोग मरते हैं तो और वो फिर खुन्नस में आपको और डबल पनिश करते हैं तो लिट्टे पे हार रहा था लेकिन लिट्टे को एक सॉफ्ट टारगेट दिखा यहां पर राजीव गांधी ठीक है श्रीलंका में तो वो कुछ कर नहीं पाया तो उस, उसे लगा लिट्टे को कि राजीव गांधी को पकड़ो और राजीव गांधी को अब जो है टारगेट बनाओ क्योंकि राजीव गांधी की वजह से ही सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स हो गई और बच्चों राजीव गांधी ने ब्लेम कर दिया ओके okay. आपके सॉरी लिट्टे ने जो है ब्लेम करा राजीव गांधी के और असासिनेशन का प्लान बनाया जिसमें कि एक लेडी असासीनेटर को उन्होंने भेजा जिसने बॉम्ब का पूरा बेल्ट जो है बांध रखा था 21 मई 1991 की बात है और राजीव गांधी जैसे अपनी जो है सिक्योरिटी से बाहर थोड़ा आए तो ये औरत ये जो लेडी है आके उनके बिल्कुल चिपक गई पास में गले लगा लिए और फट उसने जो है अपना बॉम्ब जो बॉम्ब जो जो ह्यूमन बॉम्ब बनी हुई थी वो उसको एक्टिवेट कर दिया और इसी के साथ जो है श्र... राजीव गांधी जो है उनकी डेड बॉडी आई वापस ओके तो गांधी है, है, तो की ठीक की, है ठीक पहले हालांकि हमने हमारी पीस कीपिंग फोर्स को निकाल लिया था वहां से राजीव गांधी ने अब, ओके, पीस कीपिंग फोर्स को निकाल लिया था श्रीलंका से फिर भी लेकिन राजीव गांधी को मार दिया गया बिना किसी ओके okay, सॉलिड उसके ऑल राइट सो दैट इज द थिंग सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ठीक है तो अल्टीमेटली बचो डिफीट यू विट्टे का जो होना था राजीव गांधी एक सही बैलेंस्ड सल्यूशन निकालना चाहते थे ओके okay. जिससे लाखों हजारों लोगों की जान बच जाती पर लिट्टे को जो है भरोसा नहीं था राजीव गांधी पे इंडिया के ऊपर और उसको जो है काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी इसकी जो उसको पहले ही मिल जाता वो उसको बहुत लेट मिला दो 15 में जो है तक जो है शांति आ पाई इस इलाके में लेकिन बचो तब तक श्रीलंका इतनी ह्यूमन राइट कर चुका था इतने इतने मर्डर लोगों को मार चुका था वो ऑलरेडी वहां की फोर्सेस के बचो इंटरनेशनल ग्लेयर इंटरनेशनल अटेंशन जो है श्रीलंका पे आकर रुक गया था इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहे थे श्रीलंका के अंदर खासतौर पर दो से लेके पंद्रह तक ठीक है जब तक लिट्टे परमानेंटली एकदम खत्म नहीं हो गया तब तक गई बहुत भयंकर ह्यूमन राइट वॉयलेशन करे जिससे कई बार जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर श्रीलंका के खिलाफ जो है यू नो मोशंस लाए गए रेजोल्यूशन लाए गए ठीक है और जहां पर और यही वो समय था गई जब इंडिया जो है थोड़ा खट्टा मीठा हमारा रिलेशन हो गया श्रीलंका के साथ और इसी मौके का फायदा उठा गया चाइना ठीक है चाइना ने बचो हर रिजोल्यूशन में सपोर्ट किया श्रीलंका का श्रीलंका चाइना के लिए बचो इंसानियत एथिक्स मॉरेटी इंटीग्रिटी वो कुछ भी नहीं है ठीक है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है मेरा नेशनल इंटरेस्ट किस में मेरा है मेरा नेशनल इंटरेस्ट है श्रीलंका को अपने पाले में रखने में तो मैं श्रीलंका का फेवर करूंगा मैं श्रीलंका की साइड लूंगा चाहे श्रीलंका ने कितने बेगुनाह लोगों को मारा हो ठीक है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है तो यहाँ पे बचो सही यू you नो know, मोहरा मिल गया श्रीलंका श्रीलंका भी तकलीफ में था क्योंकि पूरी दुनिया जो है पर शैक्शन लगा रही थी ह्यूमन राइट वॉयेशन का इंजाम लगा रही थी और ऐसे समय में आदमी को एक दोस्त भी मुश्किल में जो एक आदमी आपके काम आ जाए वही आपका सबसे पक्का दोस्त होता है ऐसे समय में जो श्रीलंका को बहुत सपोर्ट किया चाइना ने और ये कारण है कि चाइना और श्रीलंका का याराना जो है बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ता बढ़ता चला गया कि आज उस याने की कीमत जो है श्रीलंका चुका नहीं पा रहा है और देश में जो हाल है बेहाल हो चुका है

ओके लिट्टे को खत्म कर कर दिया श्रीलंका ने और वो जो श्रीलंका दोबारा इंडिया की भाषा बोलने लग गया कि थर्टीन अमेंडमेंट जो आप चाहते थे क्योंकि गुनाह तो मैंने कर ही दिया है अब ठीक है अब उसको धोना भी तो पड़ेगा ठीक है धोना भी तो पड़ेगा तो बोलो लिट्टे का जैसे ही जो है सर कुचल कर श्रीलंका दुनिया के सामने आ गया खुद ही कि आप जो है थर्टीन अमेंडमेंट चाहते हो इंडिया थर्टीन अमेंडमेंट चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डिवोल्यूशन ऑफ पावर चाहता है इन लोगों का रिकोगशन चाहता है हम उससे भी ज्यादा देंगे हम उससे भी ज्यादा देंगे अब जो हो गया उसको आप भूल जाओ और आगे जो है सारी हम जो है मदद देंगे इन तमिल जो लोगों को इस समय तक वैसे ही बचो काफी तमिल लोग जो है वापस इंडिया भी आ चुके थे ओके ज्यादा जो जिनको जो थोड़े शांति प्रिय लोग थे जो रह गए थे उनके लिए जो है श्रींका आप कह रहा है कि अब मैं पूरा थर्टीन अब पूरा सर कुचल कर लिटेगा अब वो कह रहा है थर्टीन अमेंडमेंट क्या उससे भी ज़्यादा जो है मैं आपको डिवोल्यूशन दूँगा पावर्स दूंगा रीजनल ऑटोनॉमी दूँगा वगैरह वगैरह ठीक है और ये बात बाद में उसने करी भी हालांकि ओके तब तक जो है श्रीलंका पे कई सारे वॉयलेशन और रेजोल्यूशन्स पास हो गए थे ओके यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ठीक है तो वो जो वॉर क्राइम्स करने का इल्ज़ाम लगा ओके okay, लिट्टे के जो लोग थे लिट्टे ऑब्वियसली गई लिट्टे कोई बाहर से नहीं आया था लिट्टे यार वहीं पे रहने वाले लोग बाग थे तमिल ओरिजिन के उनके भी फैमिलीज थी उनके भी घर परिवार थे तो उनको लिट्टे के जो आर्म्ड मलेशिया था उसको तो मारा ही टेररिस्ट ओके okay, श्रीलंकन आर्मी ने अनलॉफुल बचो किलिंग करी सेक्चुअल वायलेंस किया वहाँ पे लोगों के साथ में और जो है कई गांव के गांव मतलब जला दिए पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया एक टेरर जो है इनफ्लिक करने के लिए तो श्रीलंकन आर्मी बचो यहाँ पे कोई एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह कम और एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह ज्यादा जो है उन्होंने काम किया इसका अंजाम ये हुआ कि दुनिया की नजर में आ गया श्रीलंका और दो से लेकर दो तक काफी सारे ह्यूमन राइट सैंक्शन जो है ओके रेजोल्यूशन जो है वो श्रीलंका के खिलाफ पास हुए अब बच्चों इंडिया ने इन रेजोल्यूशन में क्या किया यहां पर अभी भी इंडिया फंसा हुआ है यस करे या नो करे ठीक है तो 2009 से लेकर 2015 तक बचो ये जो रेजोल्यूशन थे इसमें क्या करना होता है हर देश को करना होता है कि हाँ भाई आप ये सही है इस बात पे एक्शन लिया जाए हाँ नहीं ये गलत है तो इसको जो है उससे फिर जो है पता चलता है कि देश कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है ठीक है अब इंडिया का तो बच्चों रिलेशन जो है कट्टा मीठा चला 2009 से 14 तक तो कई बार उसने जो है फेवर में किया ठीक है मतलब रेजोल्यूशन रेजु, को सपोर्ट किया कि हां भाई श्रीलंका की आर्मी ने जो है ह्यूमन राइट वॉल्यूशन किया है नरसंगार किया है दो हजार में कई बार बच्चों हम एबस्टेन भी हो गए ठीक है लेकिन हमने नेगेटिव में कभी वोट नहीं किया कि नहीं गलत है ये जो बच्चों चाइना ने किया हमेशा हमेशा किया उसने कि नेगेटिव में नहीं गलत है रेजोल्यूशन हम नेगेटिव में तो गाइस कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा तो यू you नो know, लोग हमारे तो थे वो ठीक है लेकिन कई बार हमने जो है फेवर में किया तो हमारे लोगों के एकदम फेवर में किया कई बार जब अच्छे रिलेशन हुए बीच में थोड़े बहुत चौदह पंद्रह के आसपास तो हमने जो है एबेंड कर गए वोटिंग से हम चलो सोचा हमने दो हजार चौदह पंद्रह में चलो छोड़ो पुराना इशू हो गया सो दैट इज द थिंग ऑल राइट दिस इज द इंडिया स्टैंड ओके लेकिन चाइना वगैरह ने जो है उन्होंने जो है बड़ा यहां पर साथ दिया श्रीलंका का परमानेंटली कंसिस्टेंटली थैंक यू राज सिंह गुड इवनिंग तेज कसर ठीक है तो ये बात है सारी की सारी ठीक है आगे बढ़ते हैं ऑलराइट ओके right. okay? एक और चलो ठीक है ओके okay? तो वो जो राजपक्षा वो व्यक्ति थे जो काफ़ी सुर्खियों में रहे और इनको 2005 से ही जो है ये श्रीलंका में जो है गद्दी पे बैठे हुए थे ठीक है 2005 से 15 तक जो है आपके लिए ये प्रेसिडेंट थे ठीक है ही वॉज द प्रेसिडेंट इन द श्रीलंका ठीक है 2005 से लेकर 15 तक बच्चों जो ये प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के और इनके दौरान इनके कार्यकाल के दौरान जो है चाइना के साथ बहुत ज़्यादा जो है नज़दीक की नज़दीक यहाँ बढ़ गई श्रीलंका की ठीक है इन्होंने बच्चे एक बहुत अच्छा गेम खेला इन्होंने बोला कि ठीक है इन्होंने इन्होंने ये समझ गए कि की इंडिया तो हमारा पड़ोसी है ही बड़ा बिग ब्रदर हमारा है ही वो तो हमें अपीस करना चाहेगा ही मतलब अपने ग्रुप में रखना चाहेगा हमको फ़ायदा देता है कई सारे और हमने दिए भी हैं मतलब बहुत चीज़े सारी चीज़ें दी है कई सारी पाँच दस चीज़ें वो गिना सकता हूँ ओके तो मोनिट्री एड के अलावा भी बहुत कुछ हमने दिया है ओके इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है और श्रीलंका भी गई उसको पता लग गया कि श्रीलंका भी हमको जो है चाहता है ठीक है तो हम तो मतलब वैल्यूड वो हो गए कोई एंटिटी श्रीलंका भी चाइना भी हमको मिलाना चाह रहा है अपनी तरफ और इंडिया भी हमें जो है इधर मदद कर रहा है तो क्यों ना इन दोनों से जो है ले लिया जाए और दोनों को उसमें रखा जाए कन्फ्यूज़न में ठीक है और दोनों इस चक्कर में और और फ़ायदा देते रहें और मैं जो है इसको सारा फ्री का माल लेकर जो है पूरा का पूरा ऐसा हो जाऊं कि फिर जो है देश छोड़कर मुझे भागना पड़ जाए तो बच्चों ऐसा राजा पक्षा ने प्लान उनका था और ये प्लान उनका सही चल रहा था ये प्यार प्लान जो है उनका सही चल रहा था उधर से भी फुल ले रहे थे वो चाइना से भी और इधर इंडिया से भी जो है फुल मदद ले रहे थे लेकिन ये मदद बच्चों इतनी ज्यादा हो गई कि उन पर जो है भारी पड़ गई है और उनको देश छोड़कर जो है भागना पड़ा ठीक है इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है चाइना के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ी इन्हीं के कार्यकाल के टाइम बचो ऑथोरिटेरियन हो गई श्रीलंका में सरकार ऑथोरिटेरियन मतलब एक ही आदमी की चल चलना ओके okay, चाहे सही हो या गलत या उनका ही बस जो है बात मानी जाएगी ओके फाइनली बच्चों 2019 से 22 तक जो है प्राइम मिनिस्टर भी रहे ये श्रीलंका के ठीक है पावर इनका बढ़ता 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 चला गया और जो है पीएम मोदी विजिट इन टूस नाइनटीन राजपक्षा विजिट इन ट्वेंटी तो मोदी जी गए दो के अंदर बच्चों ईस्टर अटैक हो गए थे हो गए थे उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर 2019 में उसके बाद मोदी जी गए थे तो कॉन्डोलेंस उन्होंने दिए ईस्टर अटैक पे बचो ईस्टर अटैक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक है सीरीज ऑफ जो अटैक्स हुए वर्ल्ड में ठीक है बचो ईस्टर अटैक ईस्टर टेरर अटैक जो था वो क्राइस्ट चर्च क्राइस्ट चर्च का जवाब था क्राइस्ट चर्च में बच्चों एक मॉस्क में एक मस्जिद में घुसकर एक व्यक्ति ने कई सारे लोगों को मार दिया क्राइस्ट चर्च है न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड का एक शहर है क्राइस्ट चर्च फ्राइडे था उस दिन जुम्मे की नमाज थी जुम्मे का मतलब वो रिलीजियस डे था मुस्लिम्स के लिए तो मुस्लिम्स को मार दिया उन्होंने उसने न्यूजीलैंड में कई सारे बंदूकों बंदूक से खुलेआम कई दो तीन मॉस्क में इसका बच्चों जवाब इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने दिया ईस्टर डे पे ईस्टर जो कि क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ईस्टर डे पे अटैक हुए श्रीलंका में एज अ यू नो रिप्लाई टू क्राइस्ट चर्च अटैक जहाँ पे कई सौ लोगों को मार दिया गया ओके टेररिस्ट अटैक के अंदर श्रीलंका के अंदर ठीक है तो ईस्टर टेरर अटैक्स जो थे वो जवाब थे क्राइस्ट चर्च जो अटैक्स हुए थे उसका ठीक है तो मोदी जी गए तो कॉन्डिडेंस दी उन्होंने कि इस ईस्टर इस अटैक पे कि इंडिया की जो है तरफ से पूरी सिंपत्ति और जो है, जो है जो भी मदद चाहिए वो इंडिया देगा ठीक है

डन बाय मिस्टर राजपक्षा नेक्स्ट ईयर ठीक है उसके बाद बचो 2020 के अंदर जो है चुनाव हुए जिसमें कि लैंड स्लाइड विक्ट्री से राजपक्षा जो है जीत कर आए ठीक है द मैसेव विक्ट्री बाय राजा कम एट द ओके ये बचो वो ऐसा समय था इस समय समय जो कोविड जो है अभी आया नहीं था और ये है जो है स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट टाइम था फॉर यू नो चाइना यूएसए ऑस्ट्रेलिया और ये सब जो है गठबंधन यहाँ पे हो रहे थे क्वाड वार्ड बन रहे थे और ऐसे समय में बच्चों राजपक्षा का वापस आ जाना जो कि चाइना के प्रो है ओके okay, दस साल वो चाइना के पूरे यू you नो know, साथ रहे ओके okay, दोबारा जीत कर आना एक चिंता की बात थी उनके लिए ठीक है दुनिया के लिए मतलब जो और पावर्स थे ठीक है लेकिन उन्होंने ये कमेंट भी दिया कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे जो है ठीक है रहेगा श्रीलंका इसी के दौरान बच्चों हेमेन टोटा पोर्ट आपको पता ही होगा हेमेन टोटा पोर्ट जो है नयानवे साल के लिए श्रीलंका से छीन लिया चाइना ने और जो है चाइना ने उसको जो है अपने उसमें मिला लिया सो दैट वॉज अनदर थिंग विच हैपन्ड सो हेयर श्रीलंका गॉट लिटिल कॉशियस के भाई चाइना से ज़्यादा वो नहीं करना है चाइना की चेक चेकबुक डिप्लोमेसी जो है उसे बच के रहना है ऑल राइट सो ये बात थी उसके बाद का जो है सिनारी वो अपन गई थोड़ा पढ़ेंगे कल ठीक है डिफेंस ऑपरेशन एक्सरसाइजेस वगैरह और अभी का जो क्राइसिस हो रहा है तो बच्चों ये वो पोर्ट है हेमन टोटा जो श्रीलंका का ले लिया है निन्यानवे साल की लीज के ऊपर चाइना ने क्योंकि चुका नहीं पाया उधार श्रीलंका हेमेन टोटा यहाँ पर हैमन टोटा पोर्ट ठीक है ये पोर्ट ऑफ कोलम्बो है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है श्रीलंका गाले पोर्ट है ओके त्रिंकोमोले पोर्ट है ओके ये भी अच्छा पोर्ट है यहाँ पर इंडिया जो है कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है सो दिस इज द थिंग ओके okay? अब यहां से गई इसकी क्लास जो है कल करेंगे अब वी विल डू इट टुमारो नॉट टुडे ठीक है right, ये सब कल पढ़ाएंगे आपको इसमें कुछ और स्लाइड्स भी ऐड करनी है कच्छ दीवी भी बच्चों को बताना है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आइलैंड बच्चों हमारा गिफ्ट ही कर दिया इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने हमारा एक हिस्सा जो भारत का गिफ्ट कर दिया श्रीलंका को इस गिफ्ट करने के चक्कर में जो है आज बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है और गिफ्ट करने के बाद से बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है मछुआरों के लिए और वो क्या दिक्कत है वो हम कल पढ़ेंगे तो कल एक लंबी क्लास हो सकती है मेरे हिसाब से बिकॉज तो दिस इशू विल कवर अ लॉट ऑफ टाइम ठीक है अभी के हिसाब से इससे फिशरमैनस को बड़ा इशू हो रहा है कच्छ दीवू जो आईलैंड की वजह से विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन टुमारोज क्लास ठीक है बाकी गई आपको आई होप अच्छी लगी हुई क्लास कल इसको खत्म कर देंगे पहले भी मैंने पढ़ाया था बट उसमें खत्म नहीं कर पाया था सो दिस टाइम वी विल फिनिश इट ऑफ टुमारो ओके टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाइएगा पीडीएफ मैंने एनसीईआरटी की भी भेज दी है आज और भी भेज देंगे सी एड यू पे ठीक है आप आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन भी बचो जुड़ सकते हो हमारे साथ में अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो अपने एग्जाम की आइकॉनिक एक प्रीमियम प्लान है प्लस एक स्टैंडर्ड प्लान है आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें ताकि आप जो है जी और ऑप्शनल दोनों पढ़ पाएँ सी एड यू कोड आप यूज़ करें ठीक है और आपको बीस परसेंट का ऑफ मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है उनतीस से लेके इकतीस तक ठीक है ये प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस है आइकॉनिक्स कॉम्बो का प्राइस है ये प्लस कॉम्बो का प्राइस है कॉम्बो मतलब ऑप्शनल भी आ गया इसमें और छूट बचा वो ग्यारह हजार से लेके तेईस हजार तेईस हजार नौ सौ नौ चौबीस हजार तक की छूट मिल रही है आपको और किताबें भी मिल रही नोट्स टू पॉइंट ओ नोट्स ट्वेंटी बुक्स पूरा सेट आपने देखा होगा वीडियोज़ कई सारे मैंने ग्रुप पे भेजा था बैग मार्कर पेन पेंसिल किताबें बीस आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी क्योंकि ये गई किताबें सिर्फ आइकॉनिक में मिलेंगी 21 अगस्त के बाद में तो अगर आप प्लस कॉम्बो लेने का सोच रहे हो तो अभी सही समय आपके पास लेने के लिए यहाँ डिस्काउंट भी है 20 परसेंट का किताबें भी है सिड यू पी एस सी से मेरे द्वारा आप लाइफ टाइम मेंटरिंग भी है गाइडेंस भी है पूरी तरह से ओके तो और एक्स्ट्रा मटेरियल भी मैं आपको दूंगा वो मेरी तरफ से होगा उसके लिए सिड यू पी एस सी कोड यूज़ करें ठीक है ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं तो कॉम्बो में आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो ओके अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के एक नहीं हज़ार फायदे हैं एक हो तो मैं बता भी देता बट बहुत सारे हैं ओके okay, आप जानते ही हैं बाकी सी एस अश्योर चल रहा है बच्चों दो साल पे एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है अभी सीड्यूल पे सी कोड यूज़ करें और सारे के सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आई डोंट थिंक एनी अदर कोड गिव्स यू ओके यू कैन यूज ऑल दिस बेनिफिट्स ठीक है थैंक यू शिवांगी राहुल तनु तेजस गौरी थैंक यू ठीक है तो बच्चों क्लास को शेयर करिएगा लाइक करिएगा ओके एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आपके लिए ज़रूर लीजिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें यूज़ द कोड एड यू ठीक है और मेरी टीम में रहोगे आप ब्यूरोक्रेट्स दो तो फ्यूचर में आपको जो है पार्ट बनाया जाएगा वैल्यूडेशन मटेरियल मैं आपको मेरी तरफ से भी दूंगा ठीक है मेंटरिंग आपकी की जाएगी पांच बार मैंने एग्जाम क्लियर किया है उसका फ़ायदा आपको जो है पूरा मिलेगा एक्सपीरियंस पूरा आपसे शेयर किया जाएगा ठीक है लोन पे भी आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन का नीचे ही लिंक है लोन का तो फॉर्म भर सकते हो आप और लोन आप ले सकते हो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता कोई फॉल्स प्राइजेंगे कुछ भी नहीं है जो आपकी फीस है उस वही किश्तों में दे सकते हो आप बस ठीक है सो दैट इज अ थिंग ठीक है कितने साल का लेना चाहिए बच्चों सब्सक्रिप्शन तो दो साल या डेढ़ साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मैं रिकमेंड करता हूँ सबको आपको पता है आज ही नहीं शुरू से ठीक है तीन साल का उनको मैं रिकमेंड करता हूँ जो अभी स्कूल या कॉलेज में जो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं रात दिन उनका काम सिर्फ पढ़ना है उनके लिए डेढ़ साल या दो साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लस के आइकॉनिक जो भी उनके बजट में सूट हो वो ले सकते हैं और सेड यूपीसी को ड्यूस कर सकते हैं तो दस परसेंट की जगह बच्चों अभी मिल रहा है आपको डिस्काउंट बीस परसेंट ठीक है और टेलीग्राम पे तो आप जुड़ी गए होंगे अब तक आई एम श्योर आप समझदार तो हो ही इतने ठीक है इसी बात के साथ जो है आप बात ख़त्म करते हैं और कल दोबारा मिलेंगे एन सी आर टी बच्चो एन सी आर टी क्लास में आज मुझे कम पार्टिसिपेशन मिला कम पार पार्टिसिपेशन देखने को मिला क्योंकि शायद टॉपिक हार्ड था बट बच्चों टॉपिक हार्ड देखकर आप भाग जाओगे अगर ऐसे तो ऐसे कैसे काम चलेगा ओके okay. बल्कि हार्ड टॉपिक में तो बचो आपको और संघर्ष करना चाहिए पूछ सवाल करने चाहिए खड़े करने चाहिए यहाँ पर कि सर एक कैसे क्या है हमें समझ नहीं आ रहा ठीक है उस पर ही सवाल आते हैं एग्जाम में ठीक है डोंट रन अवे बाय एनी इफ यू सी एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी हार्ड टॉपिक एंड यू आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग डोंट रन अवे आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हो ऐसे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ठीक है सो आई होप आप ध्यान रखेंगे इस बात का गुड बाय गुड लक